नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। चंद्रयान को चांद पर लैंड हुए 4 घंटे भी नहीं बीते थे, चांद की पहली तस्वीर भी नहीं आई थी व्यूअर्स, लेकिन उससे पहले ही सियासत की तस्वीर बिगड़ गई। चंद्रयान पर क्रेडिट लेने की सियासी मारामारी मच गई, हुड़दंग मच गया। शुरुआत कांग्रेस के एक ट्वीट से हुई और मिशन की कामयाबी का पूरा श्रेय पंडित नेहरू को दे डाला। 2023 की कामयाबी में 1960 के दशक वाले इतिहास का पन्ना खोल डाला। फिर कांग्रेस के एक और नेता प्रकट हुए और मिशन चंद्रयान की कामयाबी का श्रेय इंदिरा गांधी को दे दिया। सियासत के इस खेल में चांद मुबारक वाला एंगल भी कूद पड़ा, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ के बीच आज चर्चा इस बात पर होगी कि चंद्रयान 2 वाले मिशन को किसने अटकाया और किसने भटकाया, क्योंकि पूर्व इसरो चीफ जी माधवन नायर ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि चंद्रयान 2 को 2012 के अंत तक लॉन्च कर दिया जाता, लेकिन यूपीए की कांग्रेस सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस के चलते यह मिशन अटकाया गया और लटकाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जिस कामयाबी पर पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है, उसे लेकर अपने ही देश में सियासी हाहाकार हो रहा है। यह खेल क्यों खेला जा रहा है? आज इसी बड़े सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। चांद तक दौड़, लेकिन क्रेडिट की मच गई होड़। आज का आर पार व्यूअर्स इसी पर। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहां करेंगे चंदा मामा, बस एक टूर के हैं। चंद्रयान की सफल लैंडिंग होते ही सियासत का मून वॉक शुरू हो गया और क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। पहले कांग्रेस ने ट्वीट किया और मिशन की कामयाबी का श्रेय पंडित नेहरू को दे दिया। कांग्रेस ने कहा है कि ये चंद्रयान भी जो है ये पंडित नेहरू की देन है। उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि सारा देश इस समय खुशी मना रहा है, और अगर आप देश के साथ मिलकर शामिल होंगे इन सेलिब्रेशंस में तो शायद भारत की जनता भी आपको थोड़ी सीरियसली लेगी, नहीं तो क्या करें, हर चीज में खिड़खिड़ी बात करने की शुरुआत कर देते हैं। इस बीच सोनिया गांधी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ को बधाई देते हुए चिट्ठी लिखी और इसरो की सफलता के पीछे 60 के दशक से शुरू प्रयासों का जिक्र किया। कांग्रेस ने ट्वीट करा है, आपने कांग्रेस का ट्वीट देखा होगा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नेहरू जी के जमाने में या उसके बाद जितनी भी कांग्रेस सरकारें रही, जब कोई मिशन जाता था तो किसी अखबार के अंदर के किसी पेज में एक कॉलम पर खबर आती थी श्रीहरिकोटा की। लोगों को मालूम नहीं था श्रीहरिकोटा है कहाँ, कौन से प्रदेश में है। आज वो श्रीहरिकोटा बच्चे बच्चे की जबान में है। इस क्रेडिट वाले युद्ध में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस नेता भी कूद पड़े। आई नो ISRO was initiated at Pandit Nehru's time and definitely with all the correct vibes and correct energy today we are able to have a success in the landing on moon. आज हम इंदिरा गांधी को भी याद करेंगे जिन्होंने इसरो की फाइनेंशियली भारत सरकार की तरफ से मदद की, इनकरेज किया, और उसी का ये नतीजा है कि आज भारत ने चांद को जीत लिया। चंद्रयान चंद्र में पहुंचा, भारत के ध्वजा के साथ पहुंचा, तो हर भारतीय का छाती चौड़ा हुआ है, गर्व से चौड़ा हुआ है। उस समय वो छाती भाजपा का नहीं या कांग्रेस का नहीं है। क्रेडिट युद्ध के बाद बारी आई ये बताने की कि इसरो के लिए किसने क्या किया। वैज्ञानिकों का ही योगदान रहा है और उनको हम धन्यवाद देते हैं। मोदी जी ने तो इसरो का बजट ही घटाया। सवाल है कि देश ही नहीं दुनिया भर के लिए गर्व के क्षण को सियासी तूतू मैमे में बदलकर क्या हासिल होगा। आज इसी सवाल पर होगी
देश की सबसे बड़ी बहस, चांद तक दौड़ क्रेडिट की हो। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको दिखाते हैं आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, चंद्रयान पर क्रेडिट लेने की होड़ का विश्लेषण, मौजूदा सरकार। आइए कुछ नंबर आपको दिखाते हैं। चंद्रयान दो की असफलता के बावजूद इसरो के हौसले को नहीं हारने दिया। यूपीए सरकार चंद्रयान दो में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगा। पूर्व इसरो चीफ जी माधवन नायर ने यह आरोप लगाया कि जानबूझकर पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से कांग्रेस के शासन ने चंद्रयान दो को डिले करा। बढ़ता हूं मैं आगे, नंबी नारायण केस। यह केस आप सबको पता होना चाहिए, यह केस भारत के इतिहास में दर्ज होने वाला केस है। 1994 में इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायण को अरेस्ट किया गया। बिना किसी गुनाह के लंबे वक्त तक इस व्यक्ति को जेल में रखा गया। एक साइंटिस्ट, भारत माता का एक ऐसा सपूत जिसने इसरो के लिए नासा की नौकरी को छोड़ दिया, उस नौकरी को नहीं लिया क्योंकि यह भारत को सर्व करना चाहता था। लेकिन उस वक्त केंद्र और केरल दोनों में कांग्रेस का शासन था और आरोप यह है कि इसको फंसाया गया। मोदी सरकार के दौर में नंबी नारायण को वो बेदाग साबित हुए, सुप्रीम कोर्ट से वो बेदाग साबित हुए और फिर आगे चलकर इनको पद्म विभूषण भी मिला। बढ़ता हूं मैं आगे, बड़े सवाल के साथ, एक बड़ी कामयाबी पर क्या सियासी ग्रहण लगाने की निरंतर कोशिश हो रही है, निरंतर प्रयास हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ कौन कौन आज मैजिक वॉल पर है, आइए देख लेते हैं। मैजिक स्क्रीन पे मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है सैफुद्दीन सोज, जिनका अभिनंदन है, और फॉर्मर मिनिस्टर है, उनका स्वागत है। गौरव भाटिया है भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, पेशे से वकील है। मेरे साथ अमित जमाई साहब है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, उनका अभिनंदन है। प्रोफेसर नवल किशोर है प्रवक्ता है आरजेडी के और नेता है, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं अब अमित जमाई शुरुआत आपसे कर रहा हूं और आपसे शुरुआत में 50 सेकंड में राय लेना चाहता हूं। अभी तो चांद पर पहुंचे चंद्रयान को चंद घंटे भी नहीं हुए थे, पहली तस्वीर भी नहीं आई थी, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। क्या आपको लगता नहीं है ये चांद मुबारक की बात अपने तरीके से कहना जायज है, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ में कूद जाना नाजायज है? अमीश जी, मैंने कल भी कहा था कि जो हमारा जो लैंडिंग कल हुआ है चंद्रयान 3 का, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही नहीं, इवन जब यूपीए 1 में चंद्रयान फर्स्ट लैंड हुआ और उसने वहां पर पानी की खोज करी, तब भी वो कोई कांग्रेस की इजाद नहीं थी। पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को, पक्ष को, विपक्ष को, क्योंकि ये सारे मुद्दे अमीश भाई हमारे नेशनल प्राइड से जुड़े हुए हैं। इन सारे मुद्दों पे हम हमेशा हमारे सरकारों के साथ खड़े होते हैं। जैसे हम नरेंद्र मोदी जी के साथ चाइना के सवाल पे हमने कहा कि अखिलेश जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब हम आपके साथ खड़े हैं, आगे बढ़िए। तो मेरे ख्याल से देश की जो प्राइड का इशू है, 140 करोड़ लोगों का इशू है अमीश भाई जी। कुछ लोग कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब वो पहले कुछ नहीं हुआ, ये तो 2014 के बाद ही हो गया। हो सकता है कि कुछ लोग जवाब में हमारे लोग इस तरह की बातें करते हों, लेकिन जो साइंस है, जो बिल्कुल जो हमारा इसरो है, लेकिन 2014 के बाद के आंकड़े और पहले के आंकड़े, सारे आंकड़े सार्वजनिक हैं। इसरो ने कितनी सैटेलाइट लॉन्च करी उससे पहले, उसके बाद कितनी करी, ये सारे आंकड़े हमारे सामने उपलब्ध है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जो 2023 में हो रहा है उसका क्रेडिट, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एकदम पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी को दे दिया था, क्या वो कहना जायज है? 10 सेकंड में इसका जवाब, अमीक जमाई, देन गौरव भाटिया। नहीं, मेरा ये कहना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको बेशक क्रेडिट जाता है, पूरे देश को उनको देना चाहिए, लेकिन ये जरूर बात आएगी कि जब आप फूड सिक्योरिटी बिल की बात करेंगे, आज पूरे देश में राशन बंटवा रहे हैं, तो फूड सिक्योरिटी बिल को क्रेडिट जाएगा, उसको देने में कोई हमें परहेज नहीं होना चाहिए। और देश के लिए ये बहुत गौरव का विषय है अमीश भाई, मैं यही कहूंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत खूबसूरत बात आपने बोली गौरव भाटिया। तो क्रेडिट लेने की होड़ है या फिर आपको लगता है कि नेताओं की बात का निचोड़ यही है कि सब क्रेडिट लेना चाहते हैं, इंक्लूडिंग योर पार्टी? आपके नेताओं ने तो पोस्टर लगा दिए हैं भाई, चंद्रयान
3 जो है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च कर डाला है। अमित जी देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा, कल वो सुखद पल था जब पूरा देश गौरवान्वित था और यहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसका योगदान मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता जानती है। वो श्रेय लेने के लिए कार्य नहीं करते, वो सुनिश्चित करते हैं कि जो मुख्य लोग हैं जिन्होंने अथक परिश्रम किया है उनकी हौसला अफजाई करें। और मुझे याद आता है चंद्रयान 2, अमीश जी क्या ये सत्य नहीं है, सितंबर 2019 में के सिवान तब इसरो के चीफ थे और वो मिशन फेल हो गया था, किस तरह से गले लगा के नरेंद्र मोदी जी का वो वक्तव्य पूरे भारत ने देखा था जब उन्होंने कहा पूरा देश आपके साथ खड़ा। तो ये तो हो गया हौसला अफजाई की बात, जो बात सोमनाथ जी ने भी अभी कही है जब चंद्रयान 3 सफल हुआ है जी। और इसके बाद मैं कहूंगा एक गति देना, एक भरोसा देना, संसाधनों की कोई कमी ना हो, ये नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, अगर मैं बता सकूं, वो इसरो जो पहले मुनाफा नहीं कमाता था उसको 3300 करोड़ रुपए का मुनाफा हो रहा है, 1969 से लेके 2014 तक जो पूरे मिशन हुए थे वो 42 थे और पिछले 9 साल में ये 47 है। गौरव भाटिया, इंटरनेशनल सैटेलाइट लॉन्च हुई, 2 मिनट हो गए अपनी बात को रखते हुए, जो सवाल मैंने पूछा आपके नेता जो पोस्टरबाजी कर रहे हैं क्या वो जायज है, हाँ या ना? हर नागरिक का हक है कि वो इस बड़ी सफलता को जश्न के साथ मनाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी भारत के ही नागरिक हैं अमीर जी, बिल्कुल सही। मैं तो ये पूछना चाहूंगा, स्पेस की मिनिस्ट्री किसके पास है? एग्जैक्टली, आपने बोला कि वो भी भारत के नागरिक है, तो कांग्रेस पार्टी भी तो, कांग्रेस पार्टी बड़ा सवाल उठा रहा हूं। मैं भी बड़ा सवाल उठा रहा हूं, सुनिए तो मेरी बात। बोलिए सर, स्पेस की मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री जी के पास है, कांग्रेस पार्टी का ट्वीट, सोनिया गांधी का लेटर, खड़गे जी का ट्वीट, राहुल गांधी का ट्वीट, अखिलेश यादव का, ममता बनर्जी का, किसी एक व्यक्ति ने बड़ा दिल दिखा के ये कहा हो कि हाँ ये देश की उपलब्धि है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार की भी उपलब्धि है? एक व्यक्ति ने नहीं कहा, ये क्या दिखाता है? आप कह रहे हैं, गौरव आप कह रहे हैं कि क्रेडिट जो है वो सबका लेना अधिकार है और सब अपनी तरह से खुशियां मना रहे हैं, तो कांग्रेस भी पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की तस्वीर लगा के खुशी मना रही है, अब इसमें क्या हर्ज है? मैं सैफुद्दीन सोज साहब है मेरे साथ, फॉर्मर मिनिस्टर है, बड़े वरिष्ठ नेता है। एक सेकेंड, मैं बाजार चाहता हूं गौरव, सैफुद्दीन सोज मेरे साथ है, बड़े वरिष्ठ नेता है, वो जुड़े हैं। सोज साहब, 2023 में आपको पंडित नेहरू ने इसरो लॉन्च करा वो कांग्रेस पार्टी को याद आ गया, जबकि इसरो कब बना और पंडित नेहरू का स्वर्गवास कब हो गया था ये हम सबको पता है। सोच साहब, मेरा सवाल है कि क्या आपकी पार्टी में भी क्रेडिट लेने की होड़ है और इसलिए आप पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी को बीच में लेके आ गए? सैफुद्दीन सोज सर, लगता है आवाज, सोच साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है? आई थिंक सर इज नॉट गेटिंग ऑडियो। मैं प्रोफेसर लवल किशोर, जवाब मैं आपसे ले लेता हूं क्योंकि आप भी यूपीए के पार्टनर हैं, क्या आपको लगता है कि आप लोगों में भी क्रेडिट लेने की होड़ है? और आपके नेता तो नासा को बधाई दे रहे थे, हमने तो चीफ स्पोक्स पर्सन शक्ति यादव नासा को बधाई दे रहे थे, उनको यह बता दीजिएगा इसरो ने बनाया है, ये इंडिजिनस है। आप तो उनको बता चुके होंगे और कई भाजपा के लोग होंगे जो इस तरह के गलती का इंतजार करते रहते हैं, वो बताने में पीछे नहीं होंगे। आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है।
हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये सब बताने के लिए आप काफी हैं, और आप छोड़ भी दीजिएगा तो भाजपा के जो ट्रोल सेंटर हैं वो लोग कोई छोटे छोटे गलती को तो 3-4 बार दिन में दोहराएंगे एक एक व्यक्ति। बहरहाल देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। आपने बोला कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को क्यों याद किया जा रहा है आज के दिन में, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये देश जो है इसमें पहले और अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैंने नहीं बोला, बीजेपी बोल रही है। इसरो जो है उन, हाँ मैं बीजेपी ही बोल रही है, मैं बीजेपी के विषय में ही बोल रहा हूँ। तो बीजेपी को तो लगता है उसको मालूम है कि मुख्य मुद्दे पे, जन सरोकार के मुद्दे पे उसको तो कोई जवाब नहीं है, उन सारे सवालों को ढकना चाहती है इस तरह का सेलिब्रेशन करके। हालांकि ये गौरव का विषय है और सारे लोग खुश हैं, पूरे देश में उत्सव का माहौल है, महोत्सव का माहौल है। बिहार के 5 सपूत उस टीम में भी थे, वो चाहे लालमणि जी हो, अमिताभ ठाकुर हो, रवि कुमार जी हो, सुधांशु कुमार हो, या रजत सिंह हो, ये सब लोग उसमें थे। ऐसे कई लोग हैं पूरे देश के हिस्से से जो कि इस कार्य में लगे हुए थे, और ये पूरे देशवासियों के लिए हर्ष का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा को यह दिखाने में मजा आता है कि 2014 के बाद ही सारे वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं, विकास हुए हैं, और ये जो सफलता नरेंद्र मोदी के समय काल में मिल रहा है वो केवल उन्हीं के वजह से मिल रहा है। वो सारे वैज्ञानिक जो दिन रात इसमें काम किए हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी जी का हौसला बढ़ाना। जी, और जी प्रोफेसर साहब, यू मेड योर पॉइंट, हमको ये बधाई दीजिए। संक्षेप में गौरव भाटिया 30 सेकंड में रिप्लाई, देन सो साहब हमारे साथ है। गौरव भाटिया 30 सेकंड में रिप्लाई। देखिए अमीर जी, भारत में जश्न मन रहा था, और छाती पीटो गैंग कहें या रोंदू फूफी गैंग कहें, इनकी प्रतिक्रिया क्या थी मैं आपको बताता हूं। शुरुआत करते हैं, आपने बताया आरजेडी के शक्ति सिंह ने कहा नासा को बधाई। नीतीश कुमार से भी एक पत्रकार ने पूछा आप क्या कहना चाहते हो, क्या है क्या चंद्रयान, क्या 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 हुआ, ऐसे नीतीश कुमार जी बोल रहे थे। उनको इतनी भी खबर नहीं है कि चंद्रयान 3 है क्या, उसकी लॉन्चिंग सफल होगी या नहीं। उसके बाद कांग्रेस के एक मंत्री है राजस्थान में, उनका नाम है अशोक चंदाना, वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे जो यात्री गए हैं ना, वो यात्री वहां सफल पहुंच गए, मैं बधाई देता हूं। उनको ये नहीं पता था कितना मेहनत किया है गलती पकड़ने के लिए, पिछले 10 साल पे गलती पे गलती किए जा रहे हो। बात तो रख लूं, ना मणिपुर पे जवाब है, ना हरियाणा पे जवाब है, ना मणिपुर पे हमने चर्चा कर ली, हरियाणा पे हमने चर्चा कर ली। सोच साहब मेरे साथ हैं, ऑल ऑडियोज डाउन, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनको मैं एक सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूँ। गौरव भाटिया आपके पास मैं वापस आता हूँ। सोच साहब, यू आर गेटिंग माई ऑडियो सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ जी, हाँ जी सर। मेरा सवाल है, बीजेपी कह रही है कि 2023 में ये सब कुछ हुआ है, कांग्रेस के शासन में तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस क्रेडिट पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी को क्यों दे रही है, बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। ये कामयाबी तो साइंटिस्ट की है, इसरो की है। ये जो ये तो देखिए, चंद्रयान का जो पूरा मिशन है ये हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है, और इस खुशी में सबको शरीक होना चाहिए। तो जहां तक मतलब अगर कुछ लोग चाहते हैं मोदी जी को क्रेडिट मिले तो वो गलत होगा, क्योंकि ये मोदी जी के वक्त में हुआ तो उससे क्या मतलब है। ये एक इर्तिका होता है, एवोल्यूशन। आपको पता होना चाहिए कि जो लोग जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, हजारों इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद तो नेहरू ने रखी इस मुल्क को। वो ज़माना याद जिन लोगों को पता है, किताब में भी लिखा है, नेहरू ने हजारों इंस्टीट्यूशंस को जन्म दिया। वो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो हिंदुस्तान ने बाद में तरक्की की उसकी बुनियाद तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, और 17 बरस इंदिरा गांधी ने भी सींचा उसको, और इसे राजीव गांधी ने। जी जी जी। मगर आज का क्रेडिट सब हिंदुस्तानियों को है। ये फख्र की बात है कि चंद्रयान कमीशन कामयाब हो गया और हिंदुस्तान ने अपना झंडा चांद पर लहराया। इस खुशी को बांटिए आपस में, मगर ये फसाद नहीं करना चाहिए। अगर बीजेपी चाहती है कि क्रेडिट मोदी जी को जाएगा, ये बहुत गलत बात है। ये एवोल्यूशन है, जब कांग्रेस चाह रही है, इसकी तैयारी बरसों से हो रही थी। जी सोसा, जब कांग्रेस चाह रही है, जब कांग्रेस, एक सेकेंड गौरव भाटिया जवाब देंगे, जब कांग्रेस चाह रही है कि क्रेडिट पंडित नेहरू को मिल जाए, इसरो का क्रेडिट पंडित नेहरू को मिल जाए, तो बीजेपी चाहेगी मोदी को मिल जाए। ये तो पॉलिटिकल गेम है फिर।
नहीं नहीं सुनिए ना कांग्रेस, देखिए आपको मैं सिर्फ ये बताता हूँ, इसरो के तमाम साइंटिस्ट को मुबारकबाद दे दीजिए, उन्होंने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को फख्र करने का मौका दिया। ये हमारे साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है, उन जहीन लोगों को जिन्होंने मेहनत की और कोशिश की। ठीक है, बीजेपी के दुरुस्त होगा प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट गौरव है मेरे साथ, गौरव भाटिया, वो जवाब देना चाह रहे हैं सोच साहब आपकी बात का। आप जी जी गौरव, गौरव भाटिया रिप्लाई टू सोच साहब, ही इज वेरी वेटरन, रिप्लाई टू हिम, वेरी सीनियर लीडर। हाँ हाँ, देखिए सोच साहब को मैंने सुना बड़े ध्यान से। सोच साहब ने कहा सभी हिंदुस्तानियों को क्रेडिट जाना चाहिए, हिंदुस्तानी तो नरेंद्र मोदी जी भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। एक बधाई का ट्वीट कोई नहीं कर पाया कांग्रेस पार्टी से सोच साहब। और मैं ये भी बता दूं, जो बजट 2008 में 4074 करोड़ था, वो 2023 में तीन गुना से ज्यादा 12543 करोड़ हो गया इसरो का। और देखिए चाचा नेहरू की आपने बात करी, तो ये दिखाइए अमीर जी, ये साइकिल पे रॉकेट का पुर्जा जा रहा है चाचा नेहरू के टाइम का, साइकिल पे जी। और आप याद करिए चाचा नेहरू वो थे, एक बार मध्य प्रदेश गए थे तो वो 555 नामक एक सिगरेट होती थी वो लेते थे, तो वो थी नहीं, तो प्लेन से गया था, प्लेन गया सिगरेट लाने चाचा नेहरू की जी। तो चाचा नेहरू की सिगरेट तो प्लेन पे आती थी, लेकिन ये रॉकेट का पुर्जा साइकिल पे जाता था। ठीक है, सोच साहब ऐसे इसरो को बढ़ा रहे थे चाचा नेहरू। ठीक है जी, ओके एक तस्वीर और दिखा दूं, ये भी देखिए जी जी, आप बड़ी सारी तस्वीरें लेकर आए हैं, बड़ा होमवर्क करके आए हैं गौरव, अच्छी बात है गौरव जी, अच्छी बात है। लेट कांग्रेस सीनियर लीडर रिप्लाई, मिस्टर सोज वांट्स टू रिप्लाई, सर प्लीज रिप्लाई, लेट द सीनियर लीडर हु लव्स पाकिस्तान रिप्लाई। मिस्टर सोज पाकिस्तान और बुरहान वानी को बहुत प्यार करते हैं सोज साहब। ठीक है, ठीक है, बताइए मिस्टर सोज, मगर मैं चुन का है इतराज, मगर वो क्या सुन सोज साहब बोलिए, ये मैं सोज साहब आपको ऑडियो आ रहा है सर, लगता है ऑडियो ऑडियो उन तक पहुंच नहीं रहा, मैं दोबारा उनको कनेक्ट करूंगा। अरे वो सिग्नल पाकिस्तान से होके आ रहे हैं। अमीक जमाई, अमीक जमाई, अमीक जमाई वांट टू रिप्लाई हूं, अमीक जमाई वांट टू रिप्लाई हूं गौरव भाटिया, होल्ड ऑन, अमीक जमाई रिप्लाई टू गौरव भाटिया जी, बताइए गौरव भाटिया की बात का जवाब। हम इसी मुद्दे पर अगर केंद्रित रहे, हमारा ये कहना है कि हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर हों या हमारे पूर्व के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, सबका अलग अलग समय पे सबका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ये कहना कि भारत 2014 के बाद बना, भारत 2014 के बाद ही आजाद हुआ, ये एक बहुत ही बावलेपन की बात है, संजीदगी की बात यह कि क्या हमारे देश के विश्वविद्यालयों में, अमीश भाई मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, आज मैंने देखा कि जो उसमें यंग साइंस की बात है, आपने क्या नहीं नहीं बोला? मैं कह रहा हूँ ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं, बावलेपन। मैंने अमीश भाई, आपको नहीं नहीं अमीश भाई, एक तो कौन बावला लग रहा है सर, मैंने तो अमीश भाई एक बहुत अच्छी बात मैंने ये देखी कि आज पूरे देश में जामिया के, मिलिया इस्लामिया के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अनेकों बच्चों की फोटोग्राफ्स आ रही हैं, जिन्होंने चंद्रयान 3 को लैंड कराने में जो यंग साइंटिस्ट हैं उनकी तस्वीरें आज आ रही हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में चल रही हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि देश कितना हमारा आगे जा रहा है कि जो यंग ब्लड है हमारा, जो यंग साइंटिस्ट हैं, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। वो कल एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे, गौरव कल ठीक है, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया वांट टू रिप्लाई टू अमीश जमाई, एक सेकंड होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, नहीं नहीं अमीश भाई जी जी, यूनिवर्सिटियों में एक सेकंड जवाब ले लेते हैं ना सर, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बावलापन क्यों हो रहा है गौरव भाटिया, हमारे आई एम कोटिंग अमीश जमाई वर्ड, बावलापन क्यों हो रहा है, ये शिक्षा नहीं दी जा रही है, टीचर्स नहीं है, तो ठीक है, तो ये हो रहा है कैसे हमारे इंजीनियर पैदा होंगे। ओके, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड किया तो अखिलेश यादव ने उस पर भी तुष्टीकरण की राजनीति कर डाली, उनका ट्वीट ये नहीं आया प्रधानमंत्री जी को बधाई, सरकार को भी बधाई क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में हुआ, उन्होंने कहा अरे गौरव भाटिया जी चांद मुबारक आपको भी, अब चांद मुबारक जब चांद मुबारक बहुत बहुत अच्छा, आपके बीच में गौरव जी नहीं बोले, आप गौरव के बीच में ना बोले, एक एक करके ना, आप दोनों सीनियर लोग हैं। ओके गौरव, तो ये जो चांद मुबारक था ये किधर इशारा था आप समझ गए होंगे,
जैसे ये मौलवी अखिलेश ने इशारा कर दिया अपने वोट बैंक को, लेकिन अभी इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम तो आपके साथ खड़े हैं। अरे भगवान बचाए आप जैसे शुभचिंतकों से। जब पुलवामा हमला हुआ तो रामगोपाल यादव ने कहा कि हमारे फौजी मरवा दिए गए वोटों के लिए। अब प्लीज शांत कराइए, अभी भी ऐसे थोड़ा सा आवाज भी कटती है और अच्छा भी नहीं लगता। देश प्रेमी लोगों का देश है, वो सोचते हैं कि ऐसे गौरव आपने भी गौरव आपने बोला, आपने बोला चांद मुबारक, गौरव आपने बोला चांद मुबारक, बावले क्यों हो रहे? वो तुष्टिकरण सवाल पूछता हूँ, बात तो पूरी कर लूं जी, मैं बिल्कुल आप बात पूरी करेगा। सोच साहब मेरे साथ, सोच साहब मेरे साथ है उर्दू। अमित जी भाई, यू मेड यू पॉइंट, अमित जी भाई आपने बोला मुबारक नहीं बोले तो क्या बोलेंगे? सैफुद्दीन सोज गौरव भाटिया की बात का जवाब, उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी भी तो हिंदुस्तानी है, तो क्रेडिट मोदी को क्यों नहीं, जब उनके दौर के अंदर बजट भी बड़ा है, सिस्टम भी बड़ा है और देश भी आगे बढ़ा है, देश तरक्की कर रहा है। सुनिए, हाँ सिस्टम तो बड़ा है। मोदी जी को कौन कहता है क्रेडिट नहीं मिलना? चाहे, मगर सवाल यह है, चंद्रयान की कामयाबी चंद्रयान की कामयाबी नहीं है, ये देखना है साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद किसने रखी। वो जवाहरलाल नेहरू थे जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हिंदुस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से मिलाने की कोशिश की। इंदिरा गांधी ने 17 बरस कोशिश की, राजीव गांधी ने की, मगर एक बात है, इस वक्त मौका है हिंदुस्तान के करोड़ों लोग ये खुशी मनाएं कि चंद्रयान का मिशन कामयाब हो गया। इस खुशी के मौके पर ये जो बंदरबांट है बीजेपी में एक बुरी आदत है, वो हर चीज समझते हैं जैसे कि मोदी जी के वक्त में हुआ। बंदरबांट कौन कर रहा है? इसलिए कि जब देखिए बीजेपी के साथ जो वाबस्ता लोग हैं वो सब क्रेडिट मोदी जी को देना चाहते हैं, उससे उन लोगों को एतराज होता है जिनको पता है कि साइंस और टेक्ना वो तो है ना, सबसे बड़ा क्रेडिट तो इसरो के साइंटिस्ट को जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भी तो यही करा, दिल से मुबारकबाद देते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी तो इसरो को क्रेडिट दिया, आपको याद होगा जब पिछली बार मिशन फेल हो गया था चंद्रयान 2 का, मोदी वहां खड़े थे। एक सवाल पूछूं जरा, ओके ओके गौरव भाटिया, ओके साहब, बीजेपी के प्रवक्ता मोदी जी इस वक्त वजीर आजम जी, बीजेपी के प्रवक्ता आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं गौरव? नहीं, छोटा सवाल पूछे सोच साहब, मेरा सवाल केवल इतना है, ब्रिक्स समिट में व्यस्त थे मोदी जी, तब भी समय निकाल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी और पूरी इसरो की टीम को बधाई दी, प्रधानमंत्री ने हौसला अफजाई करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी तो उसमें मोदी जी को बधाई क्यों नहीं दी? देखिए खड़गे जी ने जब ट्वीट किया, जवाब को भी देते और मोदी जी को भी देते, पर्सनैलिटीज को मुकाबले में न लाइए। सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने खुशी महसूस की और वजीर आजम तो तर्जुमान है पूरी कौम के, नेशनल लीडर है, इसलिए अगर मोदी जी ने मुबारकबाद दी और खुशी मनाई बड़ा अच्छा है, लेकिन उनको याद रखना चाहिए सारे मिशन की बुनियाद नेहरू ने डाली। बोलिए बड़ा दिल दिखाइए, उसको सोचा इंदिरा गांधी ने 17 बरस और उसके बाद जब राजीव गांधी आए उसने खून पसीना एक किया साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के। लेकिन सोच साहब एक प्रैक्टिकल, आपने बोला आपने अभी यू जस्ट सेड दूसरे साइड को मिस्टर सोज मेरा काउंटर क्वेश्चन आपको, मिस्टर सोज मेरा काउंटर कि उनको चंद्रयान मिशन कामयाब हो गया, इस खुशी के मौके पर आपको समाज को बांटना नहीं चाहिए, यह गलत बात है। ओके, इस खुशी के मौके पर यानी इस रंग में भंग नहीं डालनी चाहिए गौरव भाटिया, समझे आप कि नहीं समझ रहे? हाँ, रंग में भंग किसने डाली? अभी तो मैं ममता बनर्जी के बयान पे आया ही नहीं, जिन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी के समय में राकेश रोशन से बात हुई थी और राकेश रोशन ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सब बयान क्यों दिए गए अमित जी? आरजेडी, जेडीयू, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इसकी वजह यह है कि अगर इसरो के चीफ और इसरो के साइंटिस्ट ये मानते हैं कि उनके अभिभावक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इन लोगों को दर्द हो जाता है
और श्रेय के लिए मोदी जी कार्य नहीं करते हैं, श्रेय सारा इसरो को देंगे। लेकिन यह बात भी सबको पता है कि अगर कोई नींव है इस सफलता के नीचे तो वो नींव नरेंद्र मोदी जी। मुझे ब्रेक के लिए रुक रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं एक बड़ी खबर के साथ। आप देख रहे हैं आर पार। हर 20 किलोमीटर का सफर पूरा किया। थोड़ी देर बाद लैंडर विक्रम वर्टिकल लैंडिंग यानी खड़ी लैंडिंग के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उसे धीरे धीरे नीचे लाया गया और फिर 6:04 पर वो चांद पर सुरक्षित तरीके से उतर गया। उधर भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर सही सलामत उतरने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बधाई दी और इसे बड़ी उपलब्धि बताया। रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर की ओर से बताया गया कि पुतिन ने इसरो के वैज्ञानिकों, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने पर बधाई दी। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपने संदेश में भारत के मिशन मून को अंतरिक्ष से जुड़ी रिसर्च के लिए बड़ा कदम बताया। पुतिन के मुताबिक चांद पर भारत की इस सफलता विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उसके बढ़ते कदमों की गवाही देता है। और इस कामयाबी के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश चांद के इस दुर्लभ हिस्से पर उतरने में कामयाब नहीं हो सका है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवा दिया। चांद का दक्षिणी ध्रुव रहस्यों और चुनौतियों से भरा है। उबड़ खाबड़ जमीन के साथ वहां गहरी खाइयां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वहां इतने बड़े गड्ढे हैं कि उनमें हिमालय तक समा जाए, मतलब वहाँ अंतरिक्ष यान को उतारना बेहद मुश्किल। लेकिन इसके बाद भी इसरो के वैज्ञानिकों ने इस हिस्से पर लैंडर विक्रम को उतार कर चांद पर भारत का झंडा लहरा दिया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर के उतरने के बाद भारत वहाँ पहुँचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। लैंडर के चांद पर उतरने के बाद बेंगलुरु में मौजूद इसरो के कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि 41 दिनों से इसरो के वैज्ञानिकों की नजर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग पर ही टिकी हुई थी। उधर भारत के चांद पर कदम रखने का जश्न केदारनाथ मंदिर में भी मनाया गया। वहां पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने तिरंगा रैली निकाली और देश को मिली इस ऐतिहासिक कामयाबी की खुशी मनाई। और इस दौरान केदारनाथ मंदिर परिसर में हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और इस तिरंगा रैली में मंदिर समिति से जुड़े लोग और पुरोहित भी शामिल हुए और देश का नाम बढ़ाने वाले इसरो के वैज्ञानिकों के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए। इससे पहले भारत के मिशन मून के सफलता के लिए बाबा केदार का महाभिषेक भी किया गया था। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे के बाद उसका रोवर भी बाहर निकल गया है। इसरो ने रोवर प्रज्ञान के विक्रम लैंडर से बाहर निकलने की पहली तस्वीर जारी, जिसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिखाई दिया। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर ने चांद पर चहलकदमी शुरू कर दी। 6 पहियों वाला ये रोवर अगले 14 दिनों तक विक्रम लैंडर के आधा किलोमीटर के दायरे में घूमता रहेगा और जानकारियां इकट्ठा करेगा। प्रज्ञान चांद पर सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि दक्षिणी ध्रुव से जुड़े इस रहस्यों से भी पर्दा उठाने की कोशिश करेगा। इसरो के वैज्ञानिक लगातार विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के संपर्क में हैं। 3 के लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और इस कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। लैंडर विक्रम के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ ही हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने के साथ ही पृथ्वी पर पहला संदेश भेजा, जिसमें उसने अपनी मंजिल पर सुरक्षित तरीके से पहुंचने की जानकारी दी। बाद में लैंडर के इस मैसेज को इसरो ने ट्वीट भी किया। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। इसरो की जानकारी के मुताबिक लैंडर विक्रम ने 30 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। थोड़ी देर बाद लैंडर विक्रम वर्टिकल लैंडिंग यानी खड़ी लैंडिंग के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उसे धीरे धीरे नीचे लाया गया और फिर 6:04 पर वो चांद पर सुरक्षित तरीके से उतर गया। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफलता से उतर गया, जिसके बाद अब बारी 6 पहियों वाले रोवर प्रज्ञान की है, जो चांद पर अगले 14 दिनों तक पानी की खोज करने के साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा, क्योंकि इसमें लगे नेविगेशनल कैमरे और सेंसर चांद की सतह की हर तस्वीर और जानकारी विक्रम लैंडर को देंगे, जिसे विक्रम लैंडर सीधा इसरो को भेजेगा। ये वो डेटा होगा जिससे चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़े रहस्यों को सुलझाया जा सकेगा। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पूरी तरह रोवर प्रज्ञान के 14 दिनों के काम पर निर्भर होगी।
इस दौरान जैसे जैसे प्रज्ञान चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा, भारत की पहचान चांद की सतह पर दर्ज होती जाएगी, क्योंकि रोवर के पहियों से राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप चांद पर पड़ती जाएगी। अगले 14 दिन के दौरान प्रज्ञान एक सोलर पैनल के जरिए खुद ही चार्ज होगा। और इसी बीच रूस की राजधानी मॉस्को पर फिर से ड्रोन अटैक का दावा किया गया है। रूस ने इस हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है, आरोप लगाया है कि यूक्रेन एक बार फिर से रूस के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश रची है जिसे रूस ने नाकाम कर दिया। और उन्होंने ड्रोन हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वहां एक जोरदार विस्फोट हुआ। जो वीडियो जारी किया गया उसमें वहां बन रही एक इमारत का कुछ हिस्सा जला हुआ दिखाई दिया और कई जगह गड्ढे हुए भी नजर आए। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने मॉस्को के पश्चिमी हिस्से में ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन की तरफ से मॉस्को पर लगातार छठी बार हवाई हमला किया गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि रूस का दावा है कि उनकी सेना ने मॉस्को के पश्चिमी हिस्से में घुसे यूक्रेन के 2 ड्रोन को मार गिराया। लेकिन चांद तक पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 कई अहम पड़ावों से होकर गुजरा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शुरू हुआ चंद्रयान 3 का सफर कई मायनों में बेहद अहम था। इसरो के वैज्ञानिकों ने मेहनत और सटीक प्लानिंग के दम पर चंद्रयान 2 की नाकामी के 4 साल के अंदर ही चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचा दिया। हालांकि करीब 41 दिनों के सफर के दौरान वैज्ञानिकों ने फूंक फूंक कर कदम रखे। 14 जुलाई की दोपहर 2:35 पर LVM3 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंचा। 9 अगस्त को इसरो के कंट्रोल रूम से वैज्ञानिकों ने इसकी स्पीड कम की और चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश करवाया। 17 अगस्त को लैंडिंग मॉड्यूल को इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। इसी लैंडिंग मॉड्यूल में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर शामिल हैं। 18 अगस्त को डीबूस्टिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया गया जिसके बाद चंद्रयान 3 चांद के और ज्यादा करीब पहुंच गया। और 21 अगस्त को चंद्रयान 3 ने 4 साल पहले 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क किया। और जैसे ही भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा देश के कई हिस्सों में जश्न मनना शुरू हो गया, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली में मौजूद बीजेपी मुख्यालय से भी सामने आई। वहां बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। और जैसे ही इसरो ने चांद पर लैंडिंग का ऐलान किया वहां तालियां बजने लगी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने इसरो को इस मिशन की सफलता की बधाई दी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर इस कामयाबी का जश्न मनाया। इससे पहले वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा झंडा लहराकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस मिशन के कामयाब होने की खुशी में वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए इसरो को बधाई दी। उधर भारत के चांद फतेह करने पर पाकिस्तान के लोगों ने भी बधाई दी है, लेकिन कई लोग इसी बहाने वहां की सरकार पर निशाना साधते नजर आए। क्योंकि भारत से मुकाबला करने के सपने देखने वाला पाकिस्तान लगातार कंकाली के दलदल में धंसता जा रहा है, इसलिए जब भारत ने अंतरिक्ष में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की तो पाकिस्तान के लोगों ने भी कह दिया कि उन्हें भारत से सीखना चाहिए। ऑल इंडियंस को मैं कहना चाहूंगी कांग्रेचुलेशंस और पाकिस्तान को कहना चाहूंगी कुछ सीख लो यार। कई लोगों ने कबूल किया कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत बहुत आगे निकल चुका है। आज तक बिजली के बिलों में खेल रहे हैं और वो लोग जो है वो चंद्रयान के साथ खेलने के बल के कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान के अखबारों और टीवी चैनलों पर भी भारत से मिशन मून की गाथा सुनाई जा रही है। इस बीच चांद फतेह के बाद बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय में चंद्रयान के नायकों का सम्मान किया गया। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 मिशन के कामयाब होने पर इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और उन्हें पास बुलाकर चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी की बधाई भी दी। इस दौरान वहां कमांड सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे खिल गए, वो भी देश की इस बड़ी कामयाबी पर झूम उठे और वहीं पर जश्न मनाने लगे। चंद्रयान 3 मिशन को कामयाब बनाने में इसरो के कई वैज्ञानिकों ने अपनी अहम भूमिका निभाई, इसीलिए इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने उनका हौसला बढ़ाया। इस बीच जैसे ही भारत को चांद पर सफलता मिली जम्मू में CRPF के जवानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जवानों ने इस बड़ी कामयाबी पर जमकर जश्न मनाया और वो अपने कैंप में साथियों के साथ झूम उठे। CRPF के जवानों ने देश के चांद पर इतिहास रचते ही मिठाइयां बांटी और वैज्ञानिकों को इस कामयाबी पर बधाई दी। हम बहुत खुश हैं, हमारे फौजी भाई सारे इस पल को सब इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। जम्मू के उस कैंप में CRPF के जवान काफी देर तक झूमकर देश की इस बड़ी कामयाबी पर जश्न मनाते रहे। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी और अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया है, वहां की रक्षा खुफिया एजेंसी ने जिसका एक वीडियो भी जारी किया।
जिसमें जोरदार विस्फोट होता नजर आया और धमाका होते ही वहां आग की लपटें चारों तरफ फैल गई और चारों तरफ काले धुएं के गुबार नजर आने लगा। ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया और दावा किया गया कि उसने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में S-400 डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। ये रूस के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम में शामिल है क्योंकि यह सतह से हवा में मार करता है। इसकी एक यूनिट में 16 लॉन्च। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने एक बड़ा विवादित बयान दे दिया है कि नरसिंह राव कांग्रेस के नहीं बीजेपी के पहले पीएम थे, यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिंह राव सांप्रदायिक थे और वो भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे। वो कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, नरसिंह राव थे। राजीव गांधी की बड़ी भूल थी राम मंदिर का शिलान्यास, बहुत कुछ कहा है मणिशंकर अय्यर ने। पहले मणिशंकर अय्यर को सुन लेते हैं क्या आप बोला है। टोल्ड इन दिस बुक इट्स व्हेन आई डिस्कवर्ड हाउ कम्युनल हाउ हिंदू ओरिएंटेड पीवी नरसिंह राव वाज एंड इट फोरशैडोड हाउ ही वुड बी सिटिंग डूइंग पूजा व्हाइल द बाबरी मस्जिद वाज ब्रॉट डाउन। सो इन फैक्ट द फर्स्ट बीजेपी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया was not Atal Bihari Vajpayee. The first BJP Prime Minister was Narasimha Rao. We have the courage to indulge in surgical strikes against them, but we don't have the guts to sit across a table and talk to a Pakistani. I think the Shilanyas was wrong, and I think the biggest mistake that Rajiv Gandhi made was bringing this awful R.K. Dhawan into the Prime Minister's office. राम मंदिर पर राजीव गांधी की बड़ी गलती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा का कांग्रेस पे पलटवार है। संबित पात्रा ने कहा है कि मणिशंकर अय्यर का बयान असल में कांग्रेस का बयान है, गांधी परिवार का बयान है, सोनिया गांधी राहुल गांधी का बयान है, जानबूझकर बयान दिलवाया गया है चुनाव से पहले। इस समय की बड़ी स्टेटमेंट है, नरसिंह राव के खिलाफ बोले हैं मणिशंकर अय्यर और संबित पात्रा का सीधा कहना है कि कांग्रेस में परिवारवाद हावी है, इसलिए नरसिंह राव जैसे व्यक्ति को भी टारगेट किया जा रहा है। संबित पात्रा ने क्या बोला वो सुन लेते हैं, समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। पीवी नरसिंह राव जो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री रहे, उनके लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गांधी परिवार के प्रवक्ता, गांधी परिवार से बाहर कोई और व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो कांग्रेसी ही क्यों ना हो, इस विषय को सह नहीं सकते। जिह्वा मणिशंकर अय्यर की है, विचार गांधी परिवार की, विचार गांधी परिवार का है। मैं सीधा सैफुद्दीन सोस का रुख कर सकता हूं। सैफुद्दीन सोस साहब नरसिंह राव के कॉमनल थे। सोस साहब देखिए, एक बात है, आप एक और टॉपिक पर मुझे बुलाया, अब आप नरसिंह राव को क्यों पूछ रहे हैं? अरे आप ही के नेता बोल रहे हैं मणिशंकर अय्यर वो कॉमनल थे, वो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे। आपका क्या कहना है सर? आप तो हर व्यक्ति आप हर विषय पे बोल सकते हैं। इसलिए बुलाया आप मणिशंकर पूछते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? गुगली मार दिया। किनसे पूछते हैं? मणिशंकर अय्यर कॉम्युनल थे आपकी राय में? सॉरी, नरसिंह राव कॉम्युनल थे आपकी राय में? पीवी नरसिंह राव जो मणिशंकर अय्यर ने बोला, किससे पूछते हैं? आपसे सोच साहब, आपसे पूछ रहा हूं मैं। अगर मुझसे पूछते हैं, मैं किसी और टॉपिक पर था, अब आपने मणिशंकर जी को बुलाया, उनका विचार बता रहे हैं। हकीकत यह है कि नरसिंह राव जी मॉडर्न माइंड नहीं रखते थे, उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के साथ, लेकिन अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप में उनने भी अच्छे काम किए। अगर मुझे मालूम होता कि आप किस चीज पर नरसिंह राव का पूछते हैं, मैं बताता। मैं पूछता रहा हूं कि नरसिंह राव कॉम्युनल थे? बहुत नरसिंह राव कॉम्युनल थे क्या, और बीजेपी के पहले प्राइम मिनिस्टर थे? नहीं, वो सुस्त रफ्तार थे। मैं एक चीज बताऊं, बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म नहीं किया जाता अगर नरसिंह राव ने कोशिश की होती। वो बहुत तो बड़ा बोल रहे हैं, करते थे, किसी को मालूम नहीं हो। मैं नरसिंह राव के बारे में यही बोलता हूं, लोगों को पता नहीं लगता था कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन मैं मणिशंकर के साथ मुतफिक नहीं हूं।
लेकिन अगर आप नरसिम्हा राव पर खुली बात करेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि उनकी वो चुप रहते थे और किसी को मालूम नहीं होता था कि वो क्या सोचते हैं। मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है सर, इस समय आपको मेरा सवाल है कि क्या नरसिम्हा राव कॉम्युनल थे और वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे थे सारे? नरसिम्हा राव मैं कम्युनल नहीं मानता, मगर ये मानता हूं वो अच्छे हिंदू थे, पढ़े लिखे हिंदू थे, पढ़े लिखे हिंदू मत का वो बहुत जबरदस्त एहतराम करते थे। ओके गौरव भाटिया, योर फर्स्ट टेक। बीजेपी ने स्टैंड लिया है कि ये सब कुछ गांधी परिवार करा रहा है परिवारवाद के लिए, ये बहुत बड़ा अटैक है। नरसिम्हा राव फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस के शासन में ही थे। गौरव भाटिया, देखिए मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं और यही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये सब अगर कहा जा रहा है तो ये सोच तो गांधी परिवार की ही है। और बड़ी प्रमुखता से दो बातें सामने आई हैं, एक जो आप कह रहे हैं कि अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री कांग्रेस के शासनकाल में बनता है सरकार में वो मार तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव साहब हो, और उसको दरकिनार कर दिया जाता है। और ये काम कौन करवाता है? ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पे होता है, क्योंकि याद रखिएगा जब पीवी नरसिम्हा राव जी का पार्थिव शरीर कांग्रेस के हेडक्वार्टर में आना चाहता था, वो चाहते थे यहां पे जी जो अंतिम संस्कार है वो हो, तो उसकी भी अनुमति नहीं दी गई थी। किसके इशारे पे? दूसरी बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है जो तुष्टिकरण की राजनीति है। देखिए एक और बात कही मनीष शंकर अय्यर जी ने, अमीश जी, उन्होंने कहा कि जो राजीव गांधी ने हस्तक्षेप किया था राम मंदिर के मुद्दे पे वो उनकी बहुत बड़ी भूल थी। अब किसको रिझाने का प्रयास कर रहे हैं? अब भूल याद आ रही है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, तो मनीष शंकर अय्यर तो वही बोलते हैं जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी बताते हैं। जवाब, जवाब। और तीसरी बड़ी बात सांप्रदायिक कौन है? सांप्रदायिक राजीव गांधी है जी। मिस्टर सोच, सवाल है आपका मिस्टर सोच। गौरव भाटिया ने बोला कि कांग्रेस की सोच कॉम्युनल है, कांग्रेस की सोच परिवारवादी है, इसलिए ये सब कुछ कर रही है कांग्रेस। ये देखिए मैं आपको कहता हूं, गौरव भाटिया पढ़े लिखे हैं लेकिन ये बात ये गलत करते हैं कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनलिज्म का कोई रिश्ता नहीं है। अगर हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म जारी रहा और परवान चढ़ा आज के हालात तक, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का कंट्रीब्यूशन है, जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन, इंदिरा गांधी का कंट्रीब्यूशन, राजीव गांधी का कंट्रीब्यूशन, और आज के जमाने में सोनिया जी और राहुल जी का कंट्रीब्यूशन। आप क्यों नहीं देखते हैं कि कांग्रेस ने कितनी कुर्बानियां दी है? मोदी का कोई कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? नरेंद्र मोदी भी शामिल है, अटल बिहारी वाजपेयी का कोई कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री का कोई कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब दे दे, दो तीन प्रश्न है। नहीं जी, सारे लोग मानेंगे वो प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में वो जो काम कर रहे हैं वो बीजेपी जो कहती है वो उसमें हम रुकावट नहीं डालना चाहते। वो बताएं कि मोदी जी क्या क्या काम कर रहे हैं और हम सुनेंगे आराम से। मोदी जी भी वजीर आजम है, उनका कर्तव्य है काम करना, उस काम का क्रेडिट मिलना चाहिए, वो तो जरूर है। लेकिन दूसरी शख्सियतों को रंडाउन नहीं कर सकते। जवाहरलाल नेहरू ने 17 बरस साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हिंदुस्तान को आसमान तक। गौरव रिप्लाई। इंदिरा गांधी ने गौरव भाटिया रिप्लाई। सोजी कभी आपके विचार थे कि कश्मीरियों को अगर मौका लगे तो वो भारत से अलग होना पसंद करेंगे? आपके विचार थे। बुरहान वानी को आपने कश्मीर का बेटा बताया था। मैं उम्मीद रखता हूं आपके विचार बदल गए होंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, एके एंटनी जी तो बड़े नेता है ना। जब 2014 का चुनाव हारी कांग्रेस तो एके एंटनी जी ने एक रिपोर्ट दी थी, कहा था कांग्रेस तुष्टिकरण करती है और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करती है। अब एके एंटनी जी की रिपोर्ट पे आप क्या कहेंगे? और हिंदुओं को ऐसे दुर्व्यवहार करना और कहना हिंदू आतंकवाद होता है, भगवा आतंकवाद होता है, क्या इसको आप उचित मानते हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आप मुझे बताइए इससे ज्यादा सांप्रदायिक क्या होगा? मैंने देखिए गौरव भाटिया की बात मैंने समझी नहीं, अगर थोड़ा सा आप बताएंगे तो मुझे, आई हैव रेस्पेक्ट फॉर हिम, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी है,
मैं कदर करता हूं, मगर मैंने ये बात नहीं सुनी उनको क्या कहना चाहते हैं। लेकिन सोच साहब, मणिशंकर अय्यर ने बोला कि राजीव गांधी ने राम मंदिर में का जो शिलान्यास करने का प्रयास किया वो भी एक बहुत बड़ा गलत फैसला था, उस पर आप क्या कहते हैं? राजीव गांधी की वो बहुत बड़ी भूल। देखे मणिशंकर अय्यर सेड दिस, नहीं देखे उरु नेहरू पर उस जमाने में ये इल्जाम लगा दिया गया कि वो इनडायरेक्टली राम मंदिर की ये जो कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन खुले तरीके से राम मंदिर के साथ राजीव गांधी का कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए मैं नहीं कह सकता इस पर कुछ। जो चीजें हमारे बड़ी, सामने बड़ी नहीं आई है, उन पर चिटपनी नहीं देख देख रहा है। जी जी धन्यवाद सोस जी जी, मैं मेरे साथ नवल मुझे समझ जी। ओके आप क्या कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने वो गलती करी या नहीं करी? आप कह रहे हैं राजीव गांधी का डायरेक्टली कोई रोल नहीं था। सोच साहब नहीं, जहां तक राम मंदिर का शिलान्यास रखने का था, उस वक्त एक अफवाह चली थी कि अरुण नेहरू ने उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन किया था अपनी जाति लेवल पर, तो मगर राजीव गांधी का राजीव गांधी ने क्या किया? मणिशंकर क्या कहते हैं? ताला खुलवाया, ये तो सब मणिशंकर क्या कहते हैं राजीव गांधी के बारे में? जी मेरे 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 साथ यहाँ पर सैयद जवाद भी बने हुए हैं काफी देर से, प्रोफेसर नवल किशोर भी बने हुए हैं। सैयद जवाद योर टेक, देन गौरव भाटिया। सही जवाब। मुझे तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि इससे पहले आपने देखा गुलाम नबी आजाद साहब का एक आता, उसके ऊपर डिबेट होती है, फिर उसके बाद अभी अजीज कुरैशी साहब का एक इंटरव्यू आता, उसके ऊपर डिबेट होती है, फिर आज जो है मणिशंकर अय्यर के ऊपर, और चुनाव से पहले कुछ तो नैरेटिव है। लेकिन उसके विपक्ष अगर आप देखेंगे जाकर के कि कई बार जो है सुब्रमण्यम स्वामी भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या बोलना है? आज तक उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और तमाम चैनलों के ऊपर उन्होंने बहुत सी बातें करी, और उसके बाद जो है एक्स गवर्नर साहब सतपाल मलिक साहब भी बहुत कुछ कह रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के, उसके ऊपर क्या आपका टेक है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो है आज मानती है उनको, नेता नहीं मानती है, बोले जाकर के? ओके प्रोफेसर नवल किशोर, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रोफेसर नवल किशोर 30 सेकंड, देन गौरव भाटिया। प्रोफेसर नवल किशोर नहीं आ रहा आवाज, नहीं आ रहा प्रोफेसर नवल किशोर तक आवाज नहीं जा पा रही। गौरव भाटिया रिप्लाई टू सैयद जवाद एंड सैफुद्दीन सोस। देखिए ऐसा है, सैयद जवाद मेरे छोटे भाई की तरह हैं। आप ही के शो पे कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता आई थी, उन्होंने कहा कि आपका बॉयकॉट कर दिया है। मेरी जो जानकारी है ये भी कांग्रेस के ही नेता है, पैनलिस्ट हैं। मैं नहीं चाहता मेरे छोटे भाई कांग्रेस पार्टी आपको सीरियस नहीं लेती, आपकी पार्टी जब आपको सीरियस नहीं ले रही तो उसके लिए हम क्या करें? संजीदगी दिखाइए। अरे बात सुनो, मैं छोटा भाई, अभी जी शांत करा लीजिए, इनके बीच में मैं बोला नहीं, मुझे नहीं पता कि ये क्या रोग है, राहुल गांधी वायरस है क्या ये? बीच में फोबिया को आपकी पार्टी को हो रखा है, कांग्रेस फोबिया आपकी पार्टी को हो रखा है, उसके लिए हम क्या करें? आपका अपना कुछ भी नहीं है, जब नेहरू जी का सिंबल उठा लाएंगे। 30 सेकंड जवाब दे दें गौरव भाटिया से। हाँ सुनिए, धन्यवाद। देखिए मणिशंकर अय्यर ने सोनिया गांधी राहुल गांधी के इशारे पे बड़ा खुलासा ये किया है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता पिछले 2-3 सालों से आकर कहते थे राजीव गांधी ने ताला खुलवाया रामलला का, तो वो गलत कहते थे। कोई अभी देखिए सैफुद्दीन सोस से बड़ा व्यक्ति कौन होगा कांग्रेस पार्टी में? उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, मणिशंकर अय्यर ने यह भी कहा कि राजीव गांधी की यह गलती थी कि वो 1984 के सिख दंगों में चुपचाप रहे, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अमीर जी आप सोचिए सांप्रदायिक कौन है? गांधी परिवार है सांप्रदायिक, और अंदर से इतना खोखला है गांधी परिवार कि पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए किस तरह से अपशब्द बोले जा रहे हैं, क्योंकि वो गांधी परिवार से नहीं है। अरे प्रधानमंत्री तो कांग्रेस पार्टी के ही थे, उसके बावजूद उनको इज्जत नहीं दी जा रही है, चाहे सीताराम केसरी हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो, या अतीत में जाएंगे तो सरदार पटेल, डॉक्टर बीआर अंबेडकर। गांधी परिवार को लगता है कि उनकी जिम्मेदारी है, सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर भी बोल लीजिए, व्यक्ति नहीं आ सकता। सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर भी बोल लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या नहीं है? आप बताइए, राज्यसभा सांसद कितने? मैं उनपे बोलता हूँ, मैं बोल देता हूँ 10 सेकंड।
सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात अगर आप मान रहे हो तो उन्होंने कहा है गांधी परिवार पूरे विश्व में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, और उन्होंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कहा है, आप उसको मानते नहीं मानते, यानी मीठा मीठा गपशप कड़वा कड़वा। ठीक है, ओके अमित की बात है, ठीक है, एक सेकंड आप बीच में ना बोले ना, अमित जमाई, अमित जमाई, हम लोग सहमत है, अमित जमाई 30 सेकंड, अमित जमाई 30 सेकंड। देखिए अमित भाई, मैंने कल भी कहा था और आज भी कहा था, जब 140 करोड़ की जनता जश्न में शामिल है तो हमें किसी भी साइड की कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को इल्जाम देना, अच्छी बातें बुरी बातें कहना, मेरा ये कहना है कि देखिए हम 140 करोड़ लोगों को जब हम आज चांद पर हमने उसको एक चंद्रयान 3 हमारा सफल हुआ है, हमें पूरे देश को मिलकर हमारे देश में जो अशिक्षा है, गरीबी है, कुपोषण है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, हम सब लोगों को मिलकर, ये नरेंद्र मोदी जी का इशू नहीं है, ये बीजेपी का इशू नहीं है, आप सोचिए कि 10 करोड़ लोग भारत में डिप्रेशन के पेशेंट। लेकिन व्यूअर्स अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण खबर की। चंद्रयान 3 धरती मां के पास से चंदा मामा के घर पहुंच चुका है, प्रज्ञान रोवर ने वहां मून वॉक भी शुरू कर दी है और धरती पर इसरो से कनेक्ट भी कर लिया है। पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ भारत और भारत की बात कर रही है, लेकिन हमारे कुछ माननीय ऐसे भी हैं जिनके ज्ञान की सच्चाई आपको हैरान और परेशान कर देगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाल सुनिए, उनके मुताबिक अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय एक्टर राकेश रोशन थे। आरजेडी नेता शक्ति यादव कह रहे हैं कि चंद्रयान की कामयाबी के लिए नासा को बधाई, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। सोहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो एनडीए में है, वो कह रहे हैं कि चंद्रयान जब वापस लौटकर धरती पर आए तो उसका जोरदार स्वागत होना चाहिए। यह हंसने की बात नहीं है, यह चिंता की बात है। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना तो चांद पर पहुंचने वाले टूरिस्ट को यानी यात्रियों को दिल से सलाम करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ता हूं, मैं जानता हूं आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कैसे इतने अल्पज्ञानी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको इनके स्टेटमेंट्स भी सुनवा ही देता हूं। इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। इंदिरा गांधी जिज्ञेस করেছিলেন राकेश रोशन के। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन ऐसे बड़े मौकों पर अल्प ज्ञान बड़ा घातक और हानिकारक है व्यूअर्स। लेकिन हैरानी की बात यह है और वो देखकर होती है कि माननीय नेतागण इस मौके का भी अपने फायदे के लिए भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल चंद्रयान की लैंडिंग के बाद ट्वीट किया चांद मुबारक। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा ये शायद आप खुद ही समझ सकते हैं। चंद्रयान की कामयाबी से दुनिया में भारत की साख और धाक दोनों बहुत बड़ी है, लेकिन देश में भी चंद्रयान के जरिए अपनी साख चमकाने का भरसक प्रयास हो रहा है। चंद्रयान की लैंडिंग के बाद कांग्रेस ने कल एक ट्वीट कर डाला जिसमें कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू की विज्ञान के प्रति जागरूकता की वजह से भारत का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन तथ्य यह है कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई, जबकि पंडित नेहरू का देहांत 27 मई 1964 को हो चुका था, यानी 1964 को हुआ था। यह और बात है कि पंडित नेहरू और उनके परिवार का नाम आज भी विज्ञान और अनुसंधान के संस्थानों के साथ जुड़ा है, जैसे कि नेहरू तारामंडल दिल्ली, नेहरू तारामंडल बेंगलुरु, नेहरू तारामंडल मुंबई, इंदिरा गांधी तारामंडल पटना, और भी कई नाम है, सारे नहीं ले सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा कि 2008 में जब चंद्रयान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लेकर चंद्रमा पर उतरा था तो भारत चंद्रमा की सतह पर किसी वैज्ञानिक उपकरण को उतारने वाला चौथा देश बना था। उन्होंने यह भी लिखा कि आज हम जो उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं उसका श्रेय पंडित नेहरू को जाता है, उनके विजन को जाता है। हालांकि तथ्य में यह है कि चंद्रयान कभी भी चांद की सतह पर नहीं उतरा, बल्कि वो चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहा। खैर, क्रेडिट वाली होड़ में खड़गे अकेले नहीं है, दिग्विजय सिंह, हरीश रावत,
भी कुछ ऐसे ही दावे कर चुके हैं। देश ने वो दौर भी देखा है जब साइकिल पर, बैलगाड़ी पर सैटेलाइट और रॉकेट को लॉन्च किया जाता था, उनको पहुंचाया जाता था। हमने वो अपमान भी सहा है जब हमें सो कॉल्ड एलीट स्पेस क्लब बाहरी बताकर हमारा मजाक उड़ाता था, कार्टून छापता था। लेकिन देश के वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम ने आज हमें दुनिया के टॉप 4 देशों में लाकर खड़ा कर दिया है। ये देश की कामयाबी है, भारतीयों की कामयाबी है, भारतीय साइंटिस्ट की कामयाबी है, आपकी कामयाबी है, हमारी कामयाबी है।